जी, ये उन बच्चों के लिए जो थक जाते हैं, जो हार जाते हैं, जो डर जाते हैं, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं इन पंक्तियों को उसी तरह से पढ़ने की जिस तरह से मेरे दोस्त ने लिखी है। उनका नाम निपुण सिकरी है, हालांकि वो बेफिक्र के नाम से जाने जाते हैं। तो बेफिक्र ने जिस तरह से लिखी है, मैं बेफिक्री के साथ इनको पढ़ने की कोशिश करता हूं। वो कहते हैं, हर गुनाह की कोई सजा होती है, हर दुख की कोई वजह होती है। ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। हर गुनाह की कोई सजा होती है, हर दुख की कोई वजह होती है। थक हार कर कभी रुक मत जाना, हर रात के बाद सुबह होती है। जब जब तुमको डर लगे, क्या लिखते हैं वो, जब जब तुमको डर लगे अग्निपथ पर चलने से, जब जब तुम घबरा जाओ सच की राह पे बढ़ने से, जब 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 आंख से ओझल हो मंजिलिए अधिकार से, जब जब दिलिए बोझल हो हालातों की मार से। मतलब इन्होंने परेशानियां लिखी हैं कि हमारे जीवन के अंदर किस किस तरह की परेशानियां आती है। वो बताते हैं क्या करना चाहिए। तब तब खुद को संभालो, हर मुश्किल को मुश्किल में डालो। खुदा हो तुम, खुद को जानना, कुछ भी हो जाए पर हार मत मानना। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अगर आपने लोगो देखा होगा, लोगो तो उसके बीच में ईगल बैठा है। आईसीआई के लोगो में ईगल क्यों है और ईगल के नीचे लिखा होता है जागृति। इसका मतलब क्या होता है? जब पूरी दुनिया सोती है तो हम लोग जागते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम वॉचमैन। वी आर फाइनेंशियल वॉचमैन। आर यू गेटिंग? यस डॉक्टर। व्हेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग, समथिंग रॉन्ग फाइनेंशियली इकोनॉमिकली रॉन्ग इज हैपनिंग, वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर सपोज टू कीप अवर आईज ओपन, टू रिमेन अवेक एंड प्रोटेक्ट अवर नेशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम ऑडिटर बनेंगे, हमारे सिग्नेचर की वैल्यू होनी चाहिए। सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमारे ये लोग कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं कि सीए बहुत टफ है, मत करना, सीए तो टॉपर वाले बच्चे ही करते हैं। तो अगर ऐसा है तो क्यों फिर ये कहते हैं कि सिर्फ 12th पास वाला बच्चा एंट्री ले सकता है? इसको तो कहना चाहिए कि 95 वाला बच्चा ही एंट्री ले, क्योंकि सीए कोई भी बन सकता है। टफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यार देखो, तुम्हें सैलरी ज्यादा चाहिए, तुम्हें रेपुटेशन ज्यादा चाहिए, तो मेहनत तुम्हें कम क्यों करनी है? अगर ये पेपर आसान होता तो दुनिया का हर एक आदमी सीए होता, तो फिर क्या सीए की कोई वैल्यू रहती? ये की जो वैल्यू है ना क्लास, वो एक प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा है। उसके सिग्नेचर की वैल्यू, मतलब जो सीए ऑडिटर है उसके साइन की वैल्यू, प्राइम मिनिस्टर के साइन से भी ज्यादा वैल्यू। ऐसा खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अगर आप सीए बनते हो, रैंक 1 अगर आप क्लियर करते हो, तो बचपन में क्या हालत थी आपके, आप कैसे पले बड़े मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी पूरी की पूरी पीढ़ी आगे की बहुत अच्छी चलेगी। अगर तुम सीए करने जा रहे हो, शायद कॉमर्स का एक सबसे अच्छा कोर्स करने जा रहे हो। बच्चे बोले कॉमर्स में सबसे अच्छा क्या है, तो आप शायद सबसे अच्छा कोर्स करने जा रहे हो। तो यार पूरी गाइडेंस के साथ, बस एक ही डेडिकेशन से करना है, तुमसे करना है, फाइनल हो जाएगा आराम से।